तो जयसवाल साहब ही सब में ज्यादा पावरफुल है उधर से, वही उनका ही चानस है, बाकी के ये तो सब नवे चेहरे है। वो मतलब डिवीजन के लिए खड़े हुए, बाकी मेन लड़ाई दोनों उम्मीदवारों में थी, एक नासिर सिद्दीकी और प्रदीप जी जयसवाल। ऐसा बोले तो नवासी है ना, वो पुराना जो आदमी रहे तो उससे नहीं क्या उनकी पहचान पहचान ज्यादा रहे। मनोज जरांगे पाटिल जिस उम्मीदवार को खड़े करेंगे हम उनको ही वोटिंग करेंगे। विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र 2024, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर एक ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। अपनी किस्मत को आजमाने के लिए हर कोई मैदान में उतर चुका है। तो आइए जानते हैं हमारी जनता से कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किसकी होगी जीत और किसका परचम लहराएगा विधानसभा पर। तो आइए जानते हैं हमारी जनता से कि जनता के दिल में क्या है। सर, विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इस बार MLA बनाकर मध्य से आप किसको भेजने की तैयारी में? हम प्रदीप जायसवाल। प्रदीप जायसवाल क्यों सर? क्योंकि हमारे एरिया में उन्होंने अच्छे काम किए हुए, रोड बनाए हुए, ड्रेनेज लाइन है, बोले तो हमारे लिए समझो क्या अभी हमारा वार्ड है उसके लिए अच्छा काम किया है। सर, जैसे कि प्रदीप जायसवाल के साथ में अभी जितने कैंडिडेट्स और खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वो उनको टक्कर दे पाएंगे या कुछ दे पाएंगे ना? टक्कर तो होगी, बिगड़ टक्कर का थोड़ी इलेक्शन होगा। गए बारी को जैसा MIM का था समझो, इम्तियाज जलील साहब, इनने टक्कर दिए थे और चुन के भी आए थे, तो ये बारी को भी टक्कर होगी, जीत होगी। जीत तो होगी, किसकी जीत हो? अब हम जिसको वोट करेंगे उसकी जीत होगी। अब हम किसको करेंगे वो नहीं बोल रहे कि जयसवाल साहब आएगी, ऐसा बोल रहे हैं हम। फिर आपका नाम? गोकुल जायसवाल। प्रदीप जायसवाल, प्रदीप जायसवाल मध्य से। मध्य से शिंदेगढ़ में। हाँ, क्योंकि आप वो टफ होती थी मगर वो शिंदे तनवानी ने वापस ले लिया ना अभी। सर, तनवानी साहब ने तो अपना टिकट वापस लिए, आपको लगता है कि वो जीत सकते थे? जीत टफ रहता था, अब जीत कौन सकता था नहीं बता सकते थे, मगर टफ होता था बहुत। वापस क्यों लिया सर नाम? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो राजकारण है, पॉलिटिक्स है ये। अब की बार आपको लगता है कि प्रदीप जायसवाल जीत जाएंगे? पॉसिबिलिटी उनकी ज्यादा है। सर, उनके कोई काम आपके नजर में है ऐसे जो उन्होंने किए हो शहर के विकास के लिए? है, अब जो आप रास्ते वगैरह बनाए उन्होंने हर गलो गली में। तो यहाँ आकर गए हैं आपके पास में कभी यहाँ मुलाकात हुई? वो तो वो पहले से आते थे मगर अब कम हो गया, पहले बहुत हमेशा आते थे। अब की बार आपको लगता है? नहीं, आएंगे तो श्योर है वो, क्योंकि बहुत पुराने पॉलिटिशियन है ना, उनका दबदबा है सब तरफ अभी, और जहाँ तक तनवानी ने वापस ले लिया मतलब ये श्योर है। तनवानी साहब का वापस लेना इनके लिए फायदेमंद हो जाएगा? क्योंकि आप जो मत का जो विभाजन होता था वो अब नहीं होगा ना, वही कारण है। और दूसरी बात, जलील साहब भी नहीं इधर से, मैं जलील साहब रहते तो भी टफ रहता था, और जलील साहब पूर्व से चले गए। वैसे तो सारे उम्मीदवार अच्छे हैं, पर वेल एजुकेटेड और अच्छा सर्व समाज को लेके चलने वाला ऐसा सेक्युलर चेहरा होना चाहिए कोई भी। तो आपकी नज़र में कौन है चेहरा हो? तो वैसे तो प्रदीप जायसवाल भी अच्छे हैं, आपने नासिर सिद्दीकी भी अच्छे हैं, तो आप देखते हैं आप इलेक्शन के दिन कौन, मतलब अभी हवा तो दोनों की सेम चल रही है सर। अब वो वोट जैसा होगा डिवाइड, अगर हिंदू पोलराइज हुआ अगर मुस्लिम पोलराइज होगा तो उस पर वो नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पे वोटिंग होना चाहिए, बस यही एक औरंगाबाद के लोगों की ख्वाहिश है। सर, तकरीबन 50 से ज़्यादा नाम उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म भरे हैं और उसमें दोनों समाज के लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इतने उम्मीदवारों ने खड़ा होना चाहिए या किसी एक को सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, वो वोटिंग मतलब डिवीजन के लिए खड़े हुए, बाकी मेन लड़ाई दोनों उम्मीदवारों में थी, एक नासिर सिद्दीकी और प्रदीप जी जायसवाल, ये दोनों में लड़ाई है। हाँ मैम, बस। अच्छा सर, ऐसे क्यों लगता है आपको कि ये दोनों में ही लड़ाई है? बल्कि क्योंकि पिछली बार इम्तियाज जलील सर चुन के आए थे तो उन्होंने भी अच्छा, मतलब हमारे लोगों ने भी उनको अच्छा मतलब सपोर्ट किया था,
खुद हरसुल से भी काफी अच्छा वोटिंग हुई थी उनकी, पर जो एक जो मतलब बाद में जो एक बाइपोलराइजेशन हो जाता है उसके वजह से वो कैंडिडेट कौन आएगा वो अभी मतलब फिक्स बोल नहीं सकते अभी। सर ये मनोज जरांगे पाटिल ये जो एक नाम अभी इलेक्शन में बहुत उभर कर आ रहा है, तो इनका कहना है कि जो पार्टी को या जिस कैंडिडेट को मनोज जरांगे पाटिल सपोर्ट करेगा पूरा मराठा समाज उसके साथ चलेगा। मैं खुद मराठा कम्युनिटी से आता हूँ, मनोज जरांगे पाटिल जिस उम्मीदवार को खड़े करेंगे हम उनको ही वोटिंग करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि मराठा समाज ने या मनोज जरांगे पाटिल ने हमारे शहर से किस कैंडिडेट को चुनना चाहिए? वेल एजुकेटेड होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने वाला कैंडिडेट हो जाए और सिक्योर चेहरा हो बस। सर आपके मुद्दे क्या है इस बारी, सबसे स्पेशल मुद्दा क्या रहेगा और इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? सर पूरे राज्य में संभाजीनगर औरंगाबाद ही ऐसी सिटी है जो 8 दिन बाद एक बार पानी आता है, जबकि नाथ सागर 100% भरे हुआ है ये, और सबसे ज्यादा पानी पट्टी कोई सिटी में होंगी तो वही औरंगाबाद में ही होंगी। नासिक की देखेंगे आप तो 2000 है और अपनी जो पानी पट्टी जो 1 इंच का होता है उसका 4500 को देना पड़ता है आपको साल, तो ये हिसाब से मतलब एक तो महानगर पालिका का भी बोगस कारोबार पूरा और सारा सिटी का भी बोगस कारोबार चालू है। पिछले 20 साल में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं है, और हमारा तो मानना है कि मनोज जरांगे पाटिल जिसको सपोर्ट करेंगे वो कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सर सरकार बनने के बाद भी अगर छे आपको आरक्षण पर बात नहीं होती है तो इस पर क्या आगे स्टेप रहेगा, आप क्या कार्रवाई होगी? वो जो है आप कोर्ट तय करेंगे वो ओबीसी में रहेगा या नहीं रहेगा, वैसा तो चांसेस कम ही है ओबीसी मिलने के, क्योंकि वो ऑलरेडी 50% के ऊपर ऑलरेडी रिजर्वेशन जा चुका है, तो कोर्ट में टिकेगा नहीं वैसा तो EWS ही सबसे अच्छा इसके लिए एक सोल्यूशन होगा। अभी जयसवाल साहब, प्रदीप जयसवाल साहब जो उनका विकास काम बहुत है, जैसे कि क्या क्या विकास किया उन्होंने? रोड का विकास किए, इधर अपना एक इसका पैसे दिए क्या है का तालीम खाने का ये, उसको विकास दिए व्यायामशाला का। सर उनके मुकाबले में जो और भी लोग खड़े हैं तो आपको लगता है कि वो उनको टक्कर दे पाएंगे? उनके मुकाबले में ये अपना इम्तियाज जलील साहब है, नासिर सिद्दीकी बिहार से, वो जो हाँ बस जावेद कुरैशी है। हाँ आपको लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे? इससे हो सकता जात वाइज जरी गिरे तो धर्म। किशन चंद तनवानी साहब ने जो अपना फॉर्म वापस लिए हैं तो आपको लगता है कि इससे जयसवाल साहब को फायदा होगा? हाँ होगा, कैसे फायदा होगा उनका? फायदा बोले तो जो नवा सी है ना वो पुराना जो आदमी रहे तो उससे नहीं क्या उनकी पहचान पहचान ज्यादा रहे। जयसवाल साहब हाँ संतोष वानी, जयसवाल साहब के सामने कच्चा खिलाड़ी आ गए। तनवानी साहब जो रह रहे तो बहुत टफ का इलेक्शन। तनवानी साहब के हटने से जयसवाल साहब को फायदा हुआ? मध्य से जयसवाल साहब, मध्य कौन सा है अपना उधर का है ना वही सीसाड़ मध्य से जयसवाल मध्य से हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रदीप जयसवाल साहब हैं और जावेद कुरैशी साहब हैं और नासिर सिद्दीकी साहब हैं और उसमें और भी हमारे महाविकास युति के हैं आगाड़ी के हैं, तो इसमें से कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कौन सी पार्टी? पार्टी तो जयसवाल साहब ही सब में ज़्यादा पावरफुल है उधर से, वही उनका ही चाना से, बाकी के ये तो सब नवे चेहरे हैं। नवे चेहरे का तो अभी नवा ये है उसकी वजह से प्रदीप जयसवाल साहब ही उधर से। प्रदीप जयसवाल साहब क्यों सर, इससे पहले के उनके कोई ऐसे काम आपको जहन में उन्होंने डेवलपमेंट के लिए किए हमारे शहर के लिए? काम तो बहुत अच्छे किए उन्होंने, रोड बनाए, डेनिश लाइन बना के दिए, कहीं पे उनका ये नहीं आया हुआ है कि भाई इन्होंने कुछ काम नहीं करे, काम तो बहुत ही अच्छा करे उन्होंने। तो आपको लगता है कि इस बार जयसवाल साहब? जयसवाल साहब